फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। जैसे कि कुछ महीने पहले मैंने मेरे किचन का मेकओवर किया था, तब मैंने काउंटर टॉप के ऊपर वॉलपेपर लगाया था। ये वॉलपेपर आज 7-8 महीने बाद इस कंडीशन में है और इसको निकालने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पूरा 8 घंटा लगा है दोनों काउंटर टॉप पर से इस वॉलपेपर को निकालने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे काउंटर टॉप की दशा क्या हो गई है। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था, तो मैंने वॉल पे भी वॉलपेपर लगा दिया था और काउंटर टॉप पे भी ये मैंने ब्राउन कलर का वॉलपेपर लगाया था। और ये 3-4 महीने बाद ही पूरा वॉलपेपर निकलने लगा टूट टूट कर। स्पेशली आप ये एरिया देखिए, यहाँ का तो पूरा ही निकल गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी पड़ता था वहाँ से ये पूरा निकल गया। उस वक्त जब मैंने लगाया था तो ये 2-3 महीने तो बहुत ही अच्छा था। इवन गर्म चीज़ भी हम रखते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट धीरे 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 करके ये पूरा इस तरीके से टुकड़े में टूट के निकल गया है पूरा। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देख करके सोचा है कि वॉलपेपर लगा देना चाहिए काउंटर टॉप पर, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि मत लगाइएगा, बेकार हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप अपना काउंटर टॉप ऐसे ही रखें। तो आज मैं इसको निकालने जा रही हूँ, बट इसको निकालने में एक बड़ी मुश्किल आ रही है कि ये एक बार में निकल नहीं रहा है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि वॉलपेपर को निकालते कैसे हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत जगह ये बताया है कि हमें जो हेयर ड्रायर होता है ना, उससे वॉलपेपर को निकालना चाहिए। तो आइए हम भी ट्राई करते हैं कि क्या सच में हेयर ड्रायर से ये वॉलपेपर निकल रहा है। पहले मैं इसको इधर हटा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ऐसे ही निकाल के ट्राई करती हूँ, बट ये निकल नहीं रहा है, ये ऐसे देखिए टूट जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको गर्म करके ही निकालना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरा निकलेगा। अदरवाइज ये पूरा स्लैब ही खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं निकल रहा है ऐसे। तो फ्रेंड्स, जो साइड के वॉलपेपर थे वो तो इजीली निकल गए हेयर ड्रायर से गर्म कर करके। मतलब कि जो ये ट्रिक बताया था जिन लोगों ने कि हेयर ड्रायर से वॉलपेपर निकलते हैं, वो सही है, लेकिन इतने आसानी से भी नहीं निकलते हैं कि आप गर्म करेंगे और वो तुरंत निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है ये इतना ही निकालने में मुझे 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। और अभी इस साइड का भी मेरा है, क्योंकि दोनों साइड में भी था ना, इधर भी मैंने लगाया था गैस के नीचे, तो ये भी पूरा ही ऐसे खराब हो चुका है। ये देखिए, ये सब भी निकालना है। तो पहले आज इधर का निकाल के देखती हूँ मैं। तो जो साइड के वॉलपेपर हैं वो तो इजीली निकल रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, लेकिन जो सेंटर का वॉलपेपर है उसको जब हम निकालने जाते थे तो उसकी जो आउटर ब्राउन लेयर है वो निकल जाती थी, और अंदर की जो सिल्वर वाली लेयर है वो इतनी स्ट्रांगली चिपकी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। ना तो निकला है, बट ये सब जो है ना, ये सब नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि पानी रखी हूँ गर्म, इससे ही मैं छुड़ाऊंगी। मतलब हमने हेयर ड्रायर से बहुत ट्राई किया कि ये सेंटर वाले पूरे निकल जाए, नहीं निकला। तो मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया कि थोड़ा गर्म पानी डाल करके देखती हूँ। पानी डाल दिया, अभी 10 मिनट बाद देखते क्या। कोई फायदा नहीं हुआ गर्म पानी यहाँ पर डालने का। फिर से हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को ड्राई किया, और यहाँ पर मैं ये पत्रा होता है ना जिससे हम लोग दीवार के ऊपर पुट्टी लगाते हैं, मैं वो लेकर के आई हूँ। अपने हस्बैंड को मैंने बुलाया कि मेरी हेल्प कीजिए। तो फिर से हेयर ड्रायर से हम इसको निकाल रहे हैं। दो
ढाई घंटे बाद ये पूरा निकला, लेकिन फिर भी ये टूट टूट के पूरे घर में उड़ के चारों तरफ फैल गया है। आप लोगों के लिए तो ये 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके स्ट्रगल की कहानी मुझे पता है कि 2 दिन लगा है इस काउंटर टॉप को साफ़ करने में। और चलिए पेपर तो निकल गया, लेकिन उसके बाद उसकी जो स्टिकनेस है ना, वो इतनी गंदी है कि मैं क्या बताऊँ। हम कितना भी उसको रगड़ रहे हैं, वो उसमें से निकल ही नहीं रहा था। मेरा हाथ इतना फटने लगा साफ़ करते 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 करते, मुझे एक टाइम पे इतना रोने आने लगा कि मैंने क्यों शुरू किया, छोड़ देती इसको ऐसे ही। बट चलिए कोई बात नहीं, निकल गया, अब खुशी हो रही है। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ, तब आपको दिखेगा कि जैसे लग रहा था कि किसी ने एक बाल्टी गम ला करके इसके ऊपर फेंक दिया है, जो कि छूट ही नहीं रही है। देखिए कितने ज़िद्दी हैं इसके एडहेसिव कि निकल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगह पर स्टिकनेस बाकी है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जब मैं हर रोज़ यहाँ पे सफाई करूँगी तब जाके निकलेगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है। हमने 3 बजे शुरू किया था और अभी 6 बज गए हैं। 3 घंटे लगे हैं सिर्फ इतने एरिया का ये निकालने में, और मेरे पूरे हाथ दर्द हो रहे, पूरे कपड़े और पूरा किचन गंदा हो गया था वो चारों तरफ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उधर का कैसे निकालूं, इसको निकालने का मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं इसको कैसे निकालूं, क्योंकि उधर बहुत टाइम ले लिया इसने। अब देखते हैं कि मन किया तो निकालूंगी, वरना इसको 6 महीने बाद निकालूंगी। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये इधर का कैसे हमने निकाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी मेड के आने के पहले ही मैंने सोचा कि मैं गैस के नीचे वाले एरिया का भी निकाल ही देती हूँ, दोनों साइड में अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको भी निकालने में मुझे उतना ही मेहनत, उतना ही स्ट्रगल, उतना ही थकान हुआ है। पूरे 3.5 घंटे गए हैं यहाँ का भी निकालने में। तो मतलब कुल मिला जुला करके ये बहुत थकाऊ था। आप लोग तो देख रहे हैं वीडियो बन गया 15 मिनट का, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो आप लोग मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट किया कीजिए प्लीज़। तो ये देखिए दोनों साइड के काउंटर टॉप पर से वॉलपेपर हमने निकाल दिया है, और इतना सुकून मिल रहा है मुझे, और अब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं लगाऊंगी। तो अब बाकी का भी किचन क्लीन कर लेते हैं। एक मतलब काउंटर टॉप को साफ करने के चक्कर में पूरे किचन की बैंड बज गई है। और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हूँ कि अपने किचन को आप कैसे ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, कैसे हैंडी रख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा वॉश बेसिन वॉलपेपर से भरा हुआ है, और मैंने सारे डिब्बे वगैरह भी निकाल दिए हैं। फाइनली हमारा यहाँ का भी वॉलपेपर निकल गया, और जितनी चिपचिपाहट थी वो भी निकल गई। बट मैं आपको बताऊँ, बहुत मेहनत लगी है वॉलपेपर को निकालने से, और मतलब उसका जो गम था ना, जो स्टिक था, वो निकालने में तो और हमारी जान गई है। और फाइनली अब हमने इसको निकाल लिया है, गैस भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि काउंटर टॉप पर वॉलपेपर लगाएं, तो आई डोंट थिंक ये रिकमेंडेबल होगा। उससे अच्छा तो ना ही लगाएं, साफ करना भी आसान होगा और बाद में इस तरीके के झंझट से आप लोग बचेंगे। तो ये देखिए मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब मैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स आप लोग को दिखाती हूँ कि जो आपको काउंटर टॉप पर यूज करना चाहिए। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ। मैं अपने तेल के डब्बे, सिरका और सॉसेस वगैरह रखने के लिए ये पतला सा प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। ये बहुत कम जगह भी लेता है। और साथ ही में चकला बेलन रखने के लिए ये स्टैंड आता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। ये एक वुडन ट्रे है जो मैंने लिया है, और ये मल्टीपर्पज़ है। आप चाहें तो इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, बट मैंने इसको अपने किचन में रखा है, जिसके अंदर मैं अपने सारे खड़े मसाले के छोटे डिब्बे रखती हूँ, तो ताकि सब एक ही जगह पर रहें और हैंडी रहें। इस तरीके के प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। और ये देखिए इसमें मल्टी स्पेस है, तो मैं इसमें अपना नाइफ़ और लाइटर वगैरह रखती हूँ। ये ग्रीन शेल्फ मैंने डिज़ाइन करके बनवाया था कारपेंटर से, जिसको मैंने अपने किचन में लगवाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और इसके ऊपर मेरे काफ़ी सामान भी आ जाते हैं। चूँकि मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है और इसमें कोई भी शेल्फ रैक नहीं है, तो मुझे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं।
ये स्टील का रैक बहुत ही पुराना है, आपने बहुत बार मेरे वीडियो में देखा होगा। इसकी लिंक भी मैंने पुराने वीडियोस में दी है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं अपने सारे दाल वगैरह रखती हूँ, सूजी हो गया, मतलब जितने भी किचन में यूज़ होने वाले सामान हैं तो वो मैं इस पे रखती हूँ, और काफ़ी स्पेस है। तो ये देखिए मेरे कितने डिब्बे आ गए हैं इसके ऊपर। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके आप अपने किचन को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक मैंने ट्रॉली खरीदी थी स्टील की, इसके अंदर मैं अपने वो सामान रखती हूँ जिनको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, और जो कभी कभी खुले रखते हैं और बच जाते हैं तो उनको मैं रखती हूँ। और ये ट्रॉली वाला है तो इसको निकालना अंदर रखना भी आसान होता है। बड़े बर्तनों को रखने के लिए मैं इस तरीके की चीज़ें यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक का और स्टील का ऑर्गेनाइज़र। ये वाइट शेल्फ मैंने ऑनलाइन लिया था, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये। तो इसके ऊपर मैं रखती हूँ मेरी क्रॉकरीज। इसके साइड में ही मैंने लगाया है ये टू टीयर वाला मेरा मेटल का शेल्फ, जिसके ऊपर मैं रखती हूँ मेरे ये चम्मच और फोक वगैरह। इसके नीचे सजाने के लिए मैंने हाजमोला की ये तीन शीशियाँ खाली हो गई थी उनसे ये छोटा सा DIY किया है, तो वही मैं यहाँ पर रख के इसको डेकोरेट कर रही हूँ। कैसा लग रहा है ये DIY मुझे ज़रूर बताइएगा। सीज़र वगैरह को हैंग करने के लिए मैं ये एक गोल्डन एडहेसिव हुक यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप रेंटल फ्लैट में रहते हैं तो ये आपके लिए मस्ट बाई है। अब बढ़ते हैं इस एरिया में, ये मेरे फ्रिज के ऊपर की वॉल है, तो यहाँ पर मैंने ये दो शेल्फ लगा दिया है जिसके ऊपर मैं और भी चीज़ें रखती हूँ। प्लांट मुझे बहुत पसंद है, तो आपको मेरे किचन में बहुत से प्लांट्स मिल जाएंगे। फ्रिज के इस एरिया को भी मैं यूज़ करती हूँ अपना सामान रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये लेजी सूजन, जिसके अंदर मैं अपने सारे डिब्बे वगैरह रख रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा होता है, ये रोटेट करता है, तो आपको घुमा घुमा के जो भी चीज़ निकालनी हो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे ऑर्गेनाइज़र रखने से ना हमारा किचन बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फ्रिज को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये शैम्पू बॉटल से दो DIY बनाए हैं, इसका वीडियो मैंने बहुत पहले शेयर भी किया है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये भी मेरा एक लेटेस्ट DIY है जो मैंने प्लास्टिक के कंटेनर से बनाया है। इसके अंदर जो पौधा लगाया है ना, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा है जहाँ से कि ये अच्छे से ग्रो कर जाए। ये मेरा स्पाइस रैक है जो पहले मैं गैस के बगल में रखती थी, इसको अब मैंने दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, और ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही काम का है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किचन में कर्टन कैसे लगाती हैं, तो आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये मैंने कर्टन वायर लिया है और वॉल के अंदर ये मैंने हुक लगा रखा है जिसकी हेल्प से मैं ये कर्टन लगाती हूँ, तो जिससे सारे डिब्बे वगैरह मेरे इससे ढक जाते हैं। तो चलिए पूरा किचन मेरा साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ हो गया सारा, हमने वॉलपेपर निकाल दिया, और पूरे 2 दिन लगे हैं ये करने में। आधा हमने कल शाम को किया था, आधा आज सुबह हमने निकाला था सेकंड साइड का। तो ये काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है, और मैं आपको बता दूं, मेरी एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए काउंटर टॉप पे, अगर बदलना है तो पूरा इसको ही बदल डालिए, वॉलपेपर तो सजेस्ट नहीं करूंगी मैं आपको। तो आज आपने देखा कि कैसे मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप को क्लीन किया है, साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी दिखाए हैं कि अगर आप लोग भी रेंटल फ्लैट में रह रहे हैं या नॉन मॉड्यूलर किचन है आपका, तो आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स यूज कर सकते हैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखने में। तो बहुत जरूरी है कि अपने किचन को आप ऑर्गेनाइज रखें, क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें, और साथ ही में थोड़ा सा सजा के भी रखें। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने छोटे छोटे DIYs भी किए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने बहुत मेहनत की है, और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा, काफ़ी आप लोगों को आइडिया मिला होगा आज के इस किचन के मेकओवर के वीडियो से। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ, आप लोग मेरे किचन का एक बार फाइनल लुक भी देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।